हेलो फ्रेंड्स, मई का महीना चल रहा है और इस मई के महीने में मेरे गार्डन में जितने सारे मिर्च के प्लांट है वो देखिए एकदम फूल से भर चुका है। हालांकि ये तो मेरे पुराने प्लांट है और इसमें मुझे ऑलरेडी बहुत सारे मिर्च मिल चुका है और जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी इसमें बहुत सारे फूल आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरे गार्डन में जितने सारे भिंडी की प्लांट है उसके सीडलिंग से अप टू मेरे भिंडी बनने तक प्लांट्स के बारे में मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स जरूर कीजिए, जिसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हो आप, मेरे जो भिंडी की प्लांट है इसमें तो बहुत सारे भिंडी मुझे मिल चुका है और अभी भी बहुत सारे भिंडी मेरे इस प्लांट पे लगे हुए हैं। प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे है, आपको पत्ते की जो साइज है वो देखकर पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथों से भी बड़ा है एक एक प्लांट्स का लीव्स और सभी प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। मैं मेरे प्लांट की सीडलिंग मेरे जो कैरी है छत के ऊपर उसके ऊपर किया था, लेकिन बाद में मैं सभी प्लांट को शिफ्ट कर दिया हूँ मेरे जो थर्मोकॉल के डिब्बे है छत के ऊपर, इसके ऊपर मैं सभी प्लांट को शिफ्ट किया हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो भिंडी लगे हुए हैं और पत्ते की जो साइज है आप देख सकते हो मेरे हाथ से भी देखिए कितना बड़ा है। ग्रोथ बहुत अच्छे है प्लांट का, किसी प्रकार फंगल इन्फेक्शन और पेस्ट का अटैक नहीं है मेरे इस प्लांट पे। तो जहाँ मुझे जगह मिला था उसी जगह पर मैं प्लांट को शिफ्ट किया था और कुछ प्लांट को मैं बाद में शिफ्ट किया था जो अभी थोड़े से छोटे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े से छोटे दो प्लांट हैं, ये तो दोनों बड़े प्लांट के बीच में आ चुका है, इसका ग्रोथ रुक चुका है इसलिए। और यहाँ पर भी एक प्लांट है जिसे मैं बाद में शिफ्ट किया था। तो जहाँ पर मुझे जैसा जगह मिला उस जगह पर मैं मेरे इस भिंडी की प्लांट को शिफ्ट किया हूँ। तो इन दौरान मैं मेरे प्लांट पे खाद का इस्तेमाल किया हूँ, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि ये सभी वेजिटेबल प्लांट्स है मैं घर में ही खाने में यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं इसे मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा मैं एक दफ़ा काउडंग का भी इस्तेमाल किया हूँ। तो ये सभी ऑर्गेनिक खाद होते हैं, आप चाहे तो इनऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनऑर्गेनिक खाद पे आप डीएपी दे सकते हो या फिर आप एनपीके 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपके पॉट के हिसाब से देना चाहिए। अगर आपके पॉट 10 इंच या फिर 12 इंच का है तो एक टीस्पून काफ़ी है हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे देने के लिए। उसके बाद आप प्लांट पे बहुत ही अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये वेजिटेबल प्लांट्स है इसलिए प्लांट को आप फुल सनलाइट पर ही रखा कीजिए। फुल सनलाइट पे रखने से प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी मिलेंगे। तो ये जो प्लांट है मेरा ये 65 या 70 दिन हो चुका है मेरे प्लांट्स को सीडलिंग से अप टू देखिए भिंडी बनने तक। हालांकि भिंडी तो मुझे ऑलरेडी बहुत दिन पहले से ही मिलना शुरू हो चुका था और अभी भी बहुत सारी भिंडी है जो मुझे मिल रहा है। मेरे पास ऑलमोस्ट 8 या 9 भिंडी के प्लांट है और इनमें से 6-7 प्लांट पे अभी भिंडी बनना शुरू हुआ है।
तो भिंडी एक गर्मी के मौसम में होने वाले वेजिटेबल प्लांट्स है। आप इसे फरवरी के शुरू में आप इसके सीडलिंग कर सकते हो और आपको मार्च के एंड होते होते आपको भिंडी मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब 40 से 45 दिन के अंदर आपको वेजिटेबल मिलना शुरू हो जाएगा और अप टू अगस्त तक आपको भिंडी मिल सकता है। तो आप अभी भी अगर प्लांट्स ग्रो नहीं किए हैं तो अभी भी कर सकते हो, या फिर आप नर्सरी से छोटे से प्लांट खरीद कर ला सकते हो। हर प्लांट आपको मिल जाएगा 2 से 3 रुपए के बीच में। छोटे से प्लांट आप खरीद कर, जैसे कि मैं ग्रो किया हूँ ऐसे थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर, या फिर आप पॉट के अंदर भी प्लांट को ग्रो कर सकते हो। हर एक 10 इंच पॉट पे आप एक प्लांट ग्रो कीजिए तो इससे आपके बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर बात करूँ वाटरिंग के बारे में तो हर दिन इसे वाटरिंग मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट फुल सनलाइट वाले जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर इसके ऊपर दिन भर की तेज धूप मिलता है। आप चाहे तो आपके प्लांट को बेल्कोनी पर भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि प्लांट सीजनल प्लांट है और ज्यादा चौड़ा और लंबा होता नहीं है, तो इसलिए आप जहाँ पर दिन भर की 3 से 4 घंटे की धूप मिले ऐसे जगह पर बेल्कोनी पे भी आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। और अगर पेस्ट की बात करूँ, हालांकि मेरे गार्डन में जितने सारे प्लांट्स हैं उसके ऊपर किसी प्रकार पेस्ट का अटैक नहीं है, लेकिन आपके प्लांट पे अगर पेस्ट का अटैक है, ज्यादातर इसमें मिलीबाग का अटैक होता है, तो इसके लिए आप रोगर इस्तेमाल कर सकते हो। 10 ड्रॉप रोगर 1 लीटर पानी के साथ आप मिक्स करके शाम के वक्त स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आप 10 दिन के अंतराल पे कीजिए, तो 2 दफा करने के बाद देखेंगे आपके प्लांट्स के ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाएगा और इसमें लगेंगे बहुत सारा भिंडी। तो दोस्तों, भिंडी के ऊपर ये था थोड़ा सा छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।